अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अचानक फेसबुक स्क्रॉल करते हमारे सामने एक वीडियो गुजरती है, जिस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था कि काजी अहमद का डॉक्टर दो नामों से क्लिनिक चला रहा है और मरीजों को किस इंजेक्शन से इलाज कर रहा है। इसके काम देखें, मुसलमान अंग्रेज़ों के जैसे काम करते हैं रमज़ान के एहतराम की वजह से। इस शख्स ने कहा कि वीडियो की स्पीड हमने बढ़ा दी है, ये कोई एडवोकेट गुलामुल्लाह मरीज साहब हैं। इन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए ये कहा है कि एक शख्स इंतहाई गलीज तरीन है जो कि खुद को डॉक्टर कहता है लेकिन लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करता है। वीडियो दिखाने का मकसद यह है कि हुक्मरान इस मामले में एक्शन लें। साथ ही साथ ये भी अहम चीज़ है कि अपनी इज्जतों को, अपनी बहनों बेटियों को जब भी किसी डॉक्टर के पास भेजा जाए तो कोशिश की जाए अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए इन डॉक्टर्स के शर से उन्हें बचाने के लिए खुद अपने आप को जहमत दी जाए, वरना जिल्लत जलालत का तौक गले पड़ सकता है। सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इस्लामी मुल्क में इस किस्म के दरिंदों को खुद मौके दिए जाते हैं। कोई दरिंदा ना भी हो, जब मौका मिलता है वह दरिंदा बन ही जाता है, तो इसलिए एहतियात की अशद जरूरत है। जैसे इस शख्स ने कानूनी कार्रवाई का कहा है, इसको अप्रिशिएट करना भी आपका काम बनता है। और आज की वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अगर हम डिटेल में बताएं तो ये शख्स अपने जिस्मानी अज़ा को नंगा करके इस खातून के सामने पेश कर रहा था, जो कि इंतहाई गलीज तरीन एक हरकत है। रमज़ान मुबारक में इस मामले में डिटेल से बात नहीं की जा सकती, लेकिन जब इन लोगों को काले करतूत करते हया नहीं आती तो हमें इन्हें एक्सपोज करते भी हया नहीं आनी चाहिए।